कैसे हैं आप लोग भाई गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे, है ना? फटाफट आ जाइए गुड इवनिंग धीरज दिशा ब्रजेश मनीष नेहा जयशंकर ज्ञान अमनदीप कुंजन सुप्रिया नेहा धीरज सबको गुड इवनिंग ठीक है तो भैया कैसे हैं आप सब बढ़िया स्वस्थ मस्त एकदम घर पे इंजॉय कर रहे हैं सारे लोग है ना बहुत बढ़िया दिवेश हम भी अच्छे हैं मेरे भाई मेरे कमेंट्स जा रहे हैं ना बिल्कुल शिवम जी सब लोग तैयार हो जाइएगा भैया सबके कमेंट्स आ के आ रहे हैं कि नहीं एक बार चेक कर लेना सब लोग क्योंकि पहला क्वेश्चन बड़ा खतरनाक आने वाला है ठीक है तो सारे लोग और देखा जाएगा कि कौन सही जवाब दे रहा है कौन नहीं दे रहा है कौन पढ़ाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये सब चीज़ें देखी जाएंगी ठीक है तो एकदम नेट देख लीजिएगा सही चल रहा है कि नहीं हाँ जी बिल्कुल ऋषभ गुड इवनिंग अमन मस्त रविराज बढ़िया सर बहुत अच्छे फटाफट सारे लोग जुड़ जाएंगे ठीक है शेयर कर देंगे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा, अच्छा है ठीक है क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो बड़ा अच्छा है और आपको भी अच्छा लगेगा प्रीति गुड इवनिंग मिथिलेश प्रणाम सर जा रहा है तो नाम ले लीजिए शुभम बिल्कुल जा रहा है आपका कमेंट शिवम कब सबका आ रहा है रवि नित्या शिवम मिथिलेश प्रीति पल्लवी भारती झिमी बिल्कुल मेरा कमेंट्स भी जा रहा है झिमी जी बिल्कुल आपका भी जा रहा है चलिए तो मनीष सर पेड़ है क्या आपका क्या पेड़ बच्चे मनीष समझा नहीं मैं आयुषी गुड इवनिंग शिवम हाँ आया कमेंट शुभम का बिल्कुल समीक्षा गुड इवनिंग सोनम गुड इवनिंग चलिए तो बच्चे सेशन को लाइक करते रहेंगे ठीक है नए बच्चे जो हैं वो सब्सक्राइब करते रहेंगे और शेयर भी करते रहेंगे ठीक है क्योंकि डेली अगर बेनिफिट उठाना है आपको 11 बजे इस सेशन का और इंग्लिश स्पेशल का तो बच्चे सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा और बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर भी आता है डेली सात बजे आता है दस बजे डेली इंग्लिश आती है ग्यारह बजे डेली जी का आ रहा है ठीक है और भागलपुर वाले बच्चों के लिए हमने बोला भी था जैसा कि है ना ऐप डाउनलोड करें एग्जाम्टा थ्री का नंबर दिया गया फटा -फट है फटाफट इनलोल्ड हो जाए एस के कोर्स में ठीक है और भी अगर बच्चे होना चाह रहे हैं यूपी बनारस कहीं से भी लखनऊ से भी तो वो बच्चे भी कॉल कर सकते हैं एग्जाम अड्डा थ्री सिक्सटी का आप डाउनलोड करके उसमें कोर्स की सारी जानकारी दी हुई है अपकमिंग कोर्सेज भी है साइंस स्पेशल भी है मैथ स्पेशल भी है और इंग्लिश स्पेशल भी है रिनाउंड फैकल्टी जो कि मजा आ जाएगा पढ़ के आपको ठीक है और नंबर हमने आपको बताया ही था ठीक है एट टू ठीक है एट टू नाइन सिक्स टू नाइन वन ये नंबर है और फटाफट इस पर कॉल करके सारे बच्चे इनरोल्ड हुई है। बड़ा जबरदस्त सेशन होने वाला है ठीक है और हर एक चीज चल रहे हैं साइंस स्पेशल बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है छह अगस्त रक्षाबंधन के बाद मना लीजिए रक्षाबंधन उसके बाद शुरू करते हैं ठीक है चलिए गुड इवनिंग ऋषभ सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं थैंक यू सो मच ऋषभ ठीक है बढ़िया है सोनी जी अपर्णा सर मेरा बिल्कुल अपर्णा जी आपका भी नाम आ रहा है चलिए तो मैं क्वेश्चन टेक्निकल टीम से आपने बोलना चाहूंगा कि पहला क्वेश्चन लेके आए जो कि बड़ा क्वेश्चन ऑफ द डे है और सारे लोग प्रिपेयर हो जाएंगे जवाब देने के लिए ठीक है तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा <coughs> हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि विच ब्लड ग्रुप इज हाईली ससेप्टेबल टू कोविड नाइन्टीन ससेप्टेबल का मतलब है बच्चे की कि कि किसको हो सकता है कोविड 19 कौन से ब्लड ग्रुप को ज्यादा होने के चांसेस हैं क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको कोविड 19 होने के चांसेस सबसे ज्यादा है और हम ये भी बताएंगे कि, कि किसको कम चांसेस हैं कोविड 19 होने के ठीक है रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है तो सारे लोग जवाब देंगे इसका ठीक है और मैं देखना चाहूंगा कि किसका जवाब सबसे पहले सही आया है किसको सबसे ज्यादा होने के चांसेस हैं नवीन सर भी शायद जुड़ चुके हैं हम लोग के साथ अर्चना पांडे भैया देखो चमन लाल लोग भी आ जाते हैं ठीक है दूसरे दूसरे टीचरों का नाम लेके तो कोई दिक्कत नहीं है तो मैं देखना चाहूंगा भैया कि सबसे पहला जो क्वेश्चन सही आ रहा है वो किसका है तो देखिए इसका सही जवाब अगर हम दें आपको कि कोविड 19 के लिए सबसे ज्यादा होने के चांसेस किस ब्लड ग्रुप में तो ब्लड ग्रुप ए वाले एकदम दिल थाम के बैठेंगे और ब्लड ग्रुप ए एकदम हाई रिस्क पे है कोरोना से ग्रसित होने के लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे जो केसेस आ रहे हैं कोरोना के कोविड नाइनटीन के वो ब्लड ग्रुप ए को ही हो रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा दिमाग में भी बैठाना नहीं ठीक है जब तक बाहर जाएंगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं बाहर लेने आप जाएंगे तभी वो आपके घर में आएगा ठीक है कौन सा समूह कोविड 19 के लिए अति संवेदनशील है तो जवाब है ब्लड ग्रुप ए और सबसे हाईली रेजिस्ट अगर हम देखें कि सबसे हाईली रेजिस्ट इसके लिए कौन है तो ब्लड ग्रुप जिनका जिनका ओ है हाँ ध्यान रखिएगा हर एक जगह ब्लड ग्रुप ओ का परसेंटेज ज्यादा है चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंडिया हो ब्लड ओ पॉजिटिव की संख्या हमेशा ज्यादा है ठीक है और सबसे कम होता है ए बी नेगेटिव लेकिन रेयर बोलते हैं हम ओ नेगेटिव को इसको इसको पूछेंगे अभी हम कि क्यों आखिर जो सबसे कम है उसको रेयर बोला जाना चाहिए लेकिन ओ नेगेटिव को रेयर बोलते हैं जबकि ए बी नेगेटिव की संख्या सबसे कम है हाईली रिस्क पे कौन है इस समय कोरोना के बच्चे ब्लड ग्रुप ए ध्यान रखिएगा और ब्लड ग्रुप ओ बड़ा प्रोन है इसका वजह यह है कि ब्लड ग्रुप ओ इसलिए रेजिस्ट होता है बच्चे क्योंकि ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है ना तो ए ना तो बी और एंटीबॉडीज उसमें ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है मेरी बात ध्यान से सुनिएगा ब्लड ग्रुप ओ में बच्चे दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो लेकिन एंटीजन एबसेंट है और एंटीजन एबसेंट होने की वजह से कुछ भी उसके अंदर जाता है तो वो उसको एंटीजन समझ के अपने एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को क्या कर देता है बहुत ही फास्ट करता है अपने इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है बच्चे वो? बहुत तेजी से ट्रिगर करता है लेकिन डरने वाली बात बिल्कुल नहीं क्योंकि मेरा भी ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है ठीक है, है तो मैं भी हाई रिस्क में हूं आप लोगों के साथ लेकिन घर से बाहर निकलना नहीं है हालांकि ये जो डेटा बता रहा हूं मैं आपको ये चाइना स्पेन और इटली के रिसर्च का डाटा है चाइना हो चाहे स्पेन हो चाहे इटली लेकिन 38 टू 40 परसेंट केसेस जो आए हैं कोरोना के क्रोनिक मतलब आ, हाई रिस्क वाले केस वो ब्लड ग्रुप ए को हुआ है तो ऐसा नहीं कि बी और ए बी को नहीं है ए को भी है बी को भी है और ए बी को भी है ठीक है रेजिस्ट कौन है ओ तो ऐसा नहीं है कि ब्लड ग्रुप ए को सारे ब्लड ग्रुप बच्चे कॉलरा के लिए बड़ा इम्यून होता है कॉलरा आपको नहीं हो सकता है ब्लड ग्रुप ए वालों को कॉलरा होने के चांसेस क्या होते हैं बहुत ही कम होते हैं लीस्ट होते हैं और ब्लड ग्रुपो की अगर बात करें तो टाइफाइड होने के चांसेस क्या है बहुत ही ज्यादा है ध्यान रखिएगा चलिए तो बड़ा अच्छा जवाब जो सबसे पहले दिया था मैं नाम पढ़ना चाहूंगा कि आखिर जो सबसे पहला जवाब आया वो आया भैया गुंजन सिंह वीरवानी है ना टॉप पे बना है गुंजन सिंह इसका जवाब बहुत सही आता है बायो में और उसके बाद जो पहला जवाब दिया भैया वो स्नेहा मीनू ने दिया फिर सुमन कुमार सानू ने दिया है अमनदीप कुमार टॉप फाइव में बने हुए हैं देवेश त्रिवेदी भी ठीक है संजीव कुमार भी और स्नेहा मीनू भी बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आइएगा क्वेश्चन नंबर टू नहीं नहीं समीक्षा मैं भी नहीं निकलता हूं मैं भी घर पर ही रहता हूं स्नेहा मीनू ने दिया होगा लेकिन आंसर सबसे पहले गुंजन का आया है ठीक है तो सेशन को बच्चे लाइक भी करते रहिएगा ठीक है बार बार बोलने की जरूरत नहीं है और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव होने चाहिए कम से कम 500। चलिए अखबार में लिपटे भोजन के निम्नलिखित में से किसके साथ पॉल्यूटेड होने की सबसे अधिक संभावना है गांव वगैरह में अगर देखा जाए या बहुत सारी जगह ऐसा देखा जाता है कि भोजन को फॉल में ना लपेट के एल्यूमिनियम फॉल में ना लपेट के पेपर में लपेट के दे देते हैं ठीक है तो पेपर में लपेटने से आज के पेपर से तो कोई दिक्कत नहीं है देखिए पुराने अखबार जो यूज होते थे उसमें ये प्रॉब्लम होती थी लेकिन आज के पेपर सेफ हैं लेकिन उस लिमिट तक सेफ नहीं है अगर आप पेपर में खाने को ना लपेटें तो ज्यादा अच्छा होगा लेकिन पुराने पेपर की अगर बात करें जो नाइन्टीज में यूज होते थे तो भैया उससे तो पोल्यूटेड होने के चांसेस थे फूड को और जो सही जवाब है मैं देख रहा हूं कि सही जवाब बिल्कुल किसी का आ नहीं रहा है लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि सबसे पहला जो सही जवाब आया है वो किसका आया है तो भैया सबसे पहला जवाब सही आया है लेड ऑप्शन सी सही है देवेश त्रिवेदी का उसके बाद भैया आया सबसे पहले समीक्षा का उसके बाद आया भैया शशि शंकर का उसके बाद आया श्रुति राज का फिर पल्लवी कुमारी का भैया देखो लड़कियां फिर जा रही हैं टॉप पे और कहीं ना कहीं दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है ठीक है बच्चे पीछे हो रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं मुझे पता है कि लड़के इस बार आ, जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर थ्री का तो भैया क्वेश्चन नंबर टू का जवाब है लेड क्योंकि जो इंक हम यूज करते थे अखबार के उट, प्रिंट करने के लिए उसमें लेड की मात्रा ज्यादा होती है आपको पता है कि इंक में लेड की मात्रा क्या होती है ज्यादा होती है लेकिन आजकल जो नया अखबार चल रहे हैं इसमें लेड की मात्रा थोड़ी सी इंक में कम होती है तो अब इतना ज्यादा अनसेफ नहीं जितना पहले था चलिए तो देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री प्लीज और फटाफट बच्चे सेशन को लाइक करते रहेंगे सारे लोग बिल्कुल हाँ विटामिन इज वेरी एंड डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग एज एज वेल स्टोरेज बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया कि खाना जो पका रहे हैं उसके भंडारण के दौरान बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं और बहुत सारे विटामिन ऐसे जो नष्ट हो जाते हैं तो यह भी ध्यान में रख के खाना को पकाना है बहुत ओवर कुक भी नहीं करना है हालांकि इस समय कोरोना काल चल रहा है तो ज्यादातर पका के खाएं तो ज्यादा अच्छा है बल्कि जो कम हो रहा है उसको सप्लीमेंट में ले, ले लें आप ठीक है तो भैया जो सही जवाब है वो बहुत लोगों का सही आ रहा है विटामिन सी इज द राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब है आपका विटामिन सी क्या होता है वाटर सोलबल होता है एसिड होता है ज्यादा पका देंगे खत्म हो जाएगा मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग तो देखते हैं भैया सबसे जवाब सबसे पहला जवाब किसका आया है तो देखते हैं भैया टॉप फाइव में कौन बना है लड़का आया कि नहीं जमीर अगर जागा होगा तो लड़के का आया होगा देखते हैं तो भैया सबसे पहले जवाब पे अभी भी लड़कियां बनी हुई हैं प्रियंका राज का जवाब पहला है श्रुति राज का जवाब गलत है प्रियंका राज बिल्कुल ठीक है प्रियंका के बाद जो सही जवाब आया भैया वो आया है प्रियंका कितनी बार मैसेज कर दी है प्रियंका के बाद आया आकाश का वाह फिर वर्षिका का फिर ब्रजेश का फिर स्नेहा मीनू का भैया देखो लड़कियां तीनों हो लड़के हो गए दो टॉप फाइव में ठीक है लड़कियां जीत गई लड़कियां फिर जीत गई मेरे भाई नया टोला से कोई बच्चा मैसेज कर रहा है अंकित जी स्वागत है आपका एग्जाम अंडर थ्री सिक्सटी में और फटाक से फटाक फटाक एकदम सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा ठीक है काफी समय तक हमने नया टोला में भी सेवा दिया है ठीक है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे जुड़े और काफी ज्यादा लोग को बेनिफिट कराएं ठीक है बहुत बढ़िया सर ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल सारा आकाश जी एसएससी का ही क्वेश्चन होता है ठीक है तो बच्चे सेशन को लाइक करते रहना है सब्सक्राइब करते रहना है और शेयर करते रहना है चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर लेके आइएगा बिल्कुल लड़कियां फिर से टॉप पे थी भाई टॉप थ्री लड़कियां थी सेकंड दो लड़के थे बस ध्यान रखिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या अजीत जी बोरिंग रोड से हाँ कैरोटीन इन इंडियन काउज मिल्क कॉजेज बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भैया गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है और उसकी वजह से गाय और भैंस के दूध में क्या अंतर सबसे पहले तो ये बता दो गाय और भैंस के दूध में अंतर क्या होता है कौन बताएगा अगर हम दे दें आपको तो कैसे आप अपेन से पता लगाएंगे भैया ये गाय का दूध है भैंस का दूध चलो जल्दी से बता दो पहले देख के कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा दूध गाय का है और कौन सा दूध भैंस का है शिखा जी जवाब दे रही है देखिए इसमें भी लड़कियां एकदम टॉप पे चल रही हैं कि भैया शिखा जी ने बताया कि गाय का दूध हल्का सा होता है पीला और भैंस का दूध होता है भैया एकदम सफेद तो भैंस का दूध होता है सफेद कैसीन प्रोटीन के कारण गाय के दूध में भी कैसीन होगा बिल्कुल होगा लेकिन पीला है किसकी वजह से कैरोटीन के कारण तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और मैं देखना चाहूंगा कि इस बार टॉप फाइव में कौन बना हुआ है तो भैया देखा जाए अगर चार का डी तो चार के डी में सबसे पहले भैया धीरज वाह फिर पल्लवी भारती और फिर देवेश त्रिवेदी वेरी गुड फिर अमित चलो भैया लड़के जीत गए इस बार बधाई आलोक प्रकाश चार लड़के और एक लड़के टॉप फाइव में लड़के जीत रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छा लगा और कहीं दुख भी हो रहा है कि लड़कियां इस बार पीछे रह गई चलिए कोई बात नहीं ठीक है तो गाय के दूध में बच्चे कैरोटीन होता है जिसकी वजह से गाय का दूध हल्का सा पीला होता है चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव प्लीज नए बच्चे भैया चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा बार बार मैं बोल रहा हूं और घंटा जो बना हुआ उसको दबा लीजिएगा ठीक है उससे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव इस बार लड़के टॉप में मिश्रा ओके okay, मेरे भाई फुट एंड माउथ डिजीज इज फाउंड इन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसको हिंदी में अगर मैं बोल दूं तो सब लोग समझ जाएंगे खुरपका एवं मुंहपका रोग किसमें पाया जाता है खुरपका एवं मुंह पका रोग किसमें पाया था देखने में बड़ा खराब लगता है और आप सबको पता होगा कि बताओ किसमें पाया जाता है बिल्कुल सही जवाब है भैया कैटल्स इज द राइट आंसर गाय और भैंस में जनरली होता है ये है 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 ना ना खुर में हो जाता है उसके है ना? दाग पड़ जाता है पस आ जाता है जीभ में भी हो जाता है उसके जबड़े में भी हो जाता है खुरपका मुंह अगर प्रॉपर दवा ना हो तो मौत भी हो सकती है गाय और भैंस की तो देखना चाहूंगा कि पांच का बी इज right तो द राइट आंसर तो देखते हैं भैया कि पांच का बी टॉप फाइव में कौन बना हुआ है फाइव का बी फाइव के बी में धीरज कुमार जी फिर अपना जगह बनाते हुए शिवम जी का गलत हो गया फिर संजीव कुमार वेरी गुड फिर आयुषी पांडे आ गई फिर तुकाराम तुकार फिर प्रियंका राज तो तीन लड़के दो लड़कियां इस बार भी सेशन को जीतने लड़के ठीक है लड़कियां फिर थोड़ी सी पीछे रही कोई बात नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं लड़कियां शायद कुछ कमाल करेंगी बिल्कुल कॉजेज डेथ टू बिल्कुल एस वर्ड जी कैटल में होता है गाय और भैंस में जनरली होता है देखो भैया फायर वर्क भी आ गया है कोई बात नहीं स्वाति नेक्स्ट क्वेश्चन सही होगा खुरपका एवं मुंह पका रोग वायरस से होता है पिक्रो वायरस से ठीक है किससे वायरस से कौन से वायरस से पिक्रो वायरस पिक्रो पी ओ पिक्रो वायरस से ये रोग होता है खुरपका एवं मुंह पका बड़ा डेडली डिजीज है चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स प्लीज आकाश जी आपका नेटवर्क हो सकता है थोड़ा सा वीक हो बिल्कुल शशि आपने भी दिया बिल्कुल आपका भी जवाब आया है रोना नहीं है स्वाति जी मेहनत करना है एकदम टाइप करके बैठना है क्वेश्चन नंबर सिक्स आ रहा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया प्लांट से रिलेटेड पढ़ाया भैया यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी इसकी प्लांट की विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस सीड्स बट नो फ्लावर्स निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पेड़ है जो बीज तो पैदा करता है लेकिन फूल नहीं देता है देखते हैं किसका जवाब सही आता वह गधे हैं सब जिम्नोस्पम का मेरे भाई लक्षण बताया था जिम्नोस का मतलब नेकेड नेकेडम का मतलब सीड ऐसा सीड जो नेकेड हो ऐसा बीज जिसके ऊपर आवरण अनुपस्थित तो हो लेकिन फ्लार्स जिम्नोस्पम में एब्सेंट था एक में था बस कौन सा फ्लार्स और फ्रूट्स दोनों एबसेंट होते हैं ना में लेकिन एक्सेप्शन बताया था चिलगोजा वाला तो आंसर होगा डी पाइनस ठीक है आंसर होगा डी पाइनस से रिलेटेड बताना है मेरे भाई ग्राउंड नट में होता है का, काजू में भी होता है कॉफी में भी होता है पाइन इज द राइट आंसर तो का डी इज द राइट आंसर देखते हैं टॉप फाइव में कौन बना हुआ है मेरे भाई लड़के दो बार से दो नंबर से आगे चल रहे हैं लड़कियों से ध्यान रखिएगा तो सिक्स का होगा भैया डी आंसर और सिक्स का डी सबसे पहले दिया है अरे जवाब ही नहीं आया सही गधहे गधहे ऐसा अरे भाई एस एस वर्ड लड़का है फिर शुभम कुमार अरे वाह गुड फिर सिक्स का डी है मेरे भाई दो लड़के हैं ध्यान रखिएगा फिर भैया रुचि कुमारी गुड रुचि फिर सिक्स का डी है विकी कुमार पूजा शर्मा पूजा शर्मा और विकी कुमार तो भैया इस बार शायद फिर से लड़के आगे हो गए तीन लड़के दो लड़की तो लड़के तीन नंबर से आगे चल रहे हैं ध्यान रखिएगा ठीक है पढ़ना भक्त फिर गलत हो गया कोई बात नहीं श्रेया सिंह ओ ओ कर रही है ओके सुप्रिया सिक्स कटी अब कोई मतलब नहीं बच्चे हाँ तो तीन नंबर से लड़कियां पीछे चल रही कोई बात नहीं लड़कियां नेक्स्ट क्वेश्चन में कवरअप कर लेंगी बड़ा अच्छा भी लग रहा है और दुख भी हो रहा है है ना चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन प्लीज का भैया ये फीचर ध्यान रखिएगा हालांकि ब्राफाइटा में भी ऐसा ही होता है लेकिन यहाँ पे फाइटा दिया नहीं है तो जिमनो बड़ा पॉपुलर इन चीजों के लिए तो क्वेश्चन वहीं से बनेगा भैया एक मिनट रुक के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नए बच्चे और सेशन को एक बार लाइक कर देना मेरे भाई लाइक भी करते रहना ठीक है विच डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज इनहेरिटेबल लड़कियां तीन नंबर से पीछे हैं, फिर से बता दे रहा हूं कौन सी डिजीज ऐसी है जो जीन के द्वारा ट्रांसमिट हो सकती है फ्रॉम पेरेंट चाइल्ड पिता से पुत्र में कौन सा रोग जीन के द्वारा फैल सकता है, uh, है. भैया सबसे पहला जब आप किसका कलर ब्लाइंडनेस का मतलब वर्णांधता जिसमें लाल और हरे के बीच आदमी डिफ्रेंसिएट नहीं कर पाता है लिवर डिसऑर्डर विच इज कॉज बाई हेप वायरस मेलिग्नेंसी कैंसर का एक स्टेज है ल्यूकीमिया का मतलब डब्ल्यू का बढ़ना ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जब आपकी बॉडी आपकी ही दुश्मन बन जाए जब आपकी एंटीबॉडीज आपकी ही दुश्मन बन जाए आपके ही चीजों को मारने लगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं बच्चे ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर ठीक है तो सारे ऑप्शन भी हमने डिस्क्राइब कर दिए सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी कलर ब्लाइंडनेस क्लियर है लाल और हरे रंग के बीच आदमी नहीं कर पाता तो देखते हैं सेवन सबसे पहले टॉप फाइव में कौन बना हुए? लड़कियां तीन नंबर से पीछे चल क्यों और इसका जवाब भी हमने दिया था आकाश कुमार पहला जगह बनाते हुए लड़के, बहुत बढ़िया मेरे भाई सेवन गड्डी अभिराज पटेल संदीप कुमार मिश्रा और अभिषेक रंजन क्लीन चिट में पांचों लड़के हैं लड़कियों का कोई जगह नहीं दिख रहा है चार नंबर से अपने से ही मार लिया तुम लोग ज्यादा मैच के बारे में मुझे पता नहीं बस इतना ही पता है को बच्चे लाइक करते रहना ठीक है लड़कियों के लिए बड़ी कंडीशन खराब हो गई यार ये तो ये तो मतलब चार नंबर से पीछे चल रहे हैं आप लोग बड़ा प्राउड फील हो रहा है लड़कों पर आज है ना और दुख हो रहा है लड़कियों के लिए कोई बात नहीं सर बफरिंग की वजह से लेट हो जा रहा है कोई एक्सक्यूज समीक्षा जी नहीं चलेगा ठीक है रनर अप को कोई याद नहीं रखता टॉप पे जो आता है बस उसी को याद रखा जाता है सर मेरा फर्स्ट बिल्कुल एस एस वर्ड जी चलिए क्वेश्चन नंबर आ रहा है भैया बना लो जगह क्वेश्चन नंबर एट प्लीज मजा आ गया श्वेतांशु मिश्रा कह रहे मजा आ गया नेट ही नहीं चल रहा स्वाति जी नेट नहीं चल रहा चलाना पड़ेगा ठीक है रुचि कुमारी दी तो है लेकिन टॉप फाइव में फिर से लड़के हैं बच्चे सेशन को लाइक करते रहना है ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर एट प्लीज हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि इफ यू आर बोर्न विद एन एक्स्ट्रा फिंगर इट इज मोस्ट लाइकली यदि आप एक अतिरिक्त उंगली के साथ पैदा होते हैं तो वो उंगली जो अतिरिक्त है वो किस उंगली के बगल होने की ज्यादा संभावना है ऋतिक रोशन को अगर फॉलो करते होंगे वो भी उसके पास भी सिक्स फिंगर्स है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सिक्स फिंगर्स होती है तो वो छह उंगलियां जो होती हैं वो किस उंगली के बगल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है और बहुत बार सी और एफ में पूछा गया ध्यान रखिएगा हम्म देखिए पहला ऑप्शन जो है नेक्स्ट योर पिंकी फिंगर पिंकी फिंगर का मतलब होता है स्मॉल फिंगर ये छोटी वाली सबसे लास्ट वाली पिंकी फिंगर का मतलब ये नेक्स्ट योर था मतलब अंगूठे के बगल नेक्स्ट योर मिडिल फिंगर मध्यमा के मध्य और नन ऑफ ननाब्धि जिनमें से कोई नहीं एक एक्स्ट्रा उंगली अगर हो तो इन पांचों में से किसके बगल होने की ज्यादा संभावना है तो भैया आंसर मैं आपको देना चाहूंगा कि पिंकी फिंगर के बगल लास्ट वाली उंगली के बगल ही ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि अगर छह उंगलियां होंगी तो लास्ट उंगली के बगल ही निकलती है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एट का ए देखते हैं भैया लड़कियों का फिर से क्लीन स्वीप हुआ कि लड़कों का हुआ हम्म तो भैया शुभम कुमार पहला स्थान मनाते हुए उसके बाद गुंजन सिंह विरवानशी फिर दिशा सिंह गुड आकाश कुमार और वर्षिका कुमारी तो तीन लड़के और दो लड़कियां लड़कियां पांच नंबर से पीछे हो लड़कियां पांच नंबर से पीछे क्या करें भाई बिल्कुल तीन लड़के और दो लड़कियां बिल्कुल सही है जिसका सवाल जवाब ए है वो बिल्कुल सही है नेक्स्ट यूर पिंकी फिंगर ज्यादातर चांसेस आप देखेंगे अगर एक्स्ट्रा फिंगर है तो पिंकी फिंगर के बगल ही होने के चांसेस होते हैं ये लीजिए भैया टॉप थ्री में जो लड़के हैं उनके लिए और लड़कियों के लिए भी तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको बताते रहिएगा मजा आ रहा है कि नहीं समीक्षा जी तीन लड़के हैं दो लड़कियां चलिए गुड तो मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको ज्यादा टफ तो नहीं लग रहे वर्षिका कहने तीन लड़कियां दो लड़के हैं ऐसा थोड़े ना है ना ना समीक्षा जी तीन लड़के थे जबरदस्त यस मस्त गुस्ट क्वेश्चन नंबर एट प्लीज जलन हो रही लड़कियों को भैया क्वेश्चन अच्छे हैं पर आ नहीं रहा है हमें ज्यादा कोई बात नहीं स्वाति जी वर्षिका आप बॉयज को सपोर्टा दे ऐसा नहीं है मेरे भाई ये भी लगा दोगे तुम लोग क्या मैं लड़कियों को प्रवोक कर रहा हूं कि आपको आंसर ज्यादा देना है लड़का दे दे रहा है लड़का फुर्तीला निकल रहा है आप लोग डल हो जा रहे हो ऐसा नहीं चलेगा मुझे दुख भी है इस बात का मैं बार बार बोल रहा हूं चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन निम्नलिखित में से किसकी कमी दंत छह की ओर ले जाती है द द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग लीड्स टू डेंटल कैरीज देखते हैं भैया किसका जवाब सही डेंटल कैरीज का मतलब आप समझ रहे हैं दांतों का खराब होना इनेमल का खराब होना दांतों का डिस्टर्ब हो जाना डिग्रेड होना इसी को बोलते हैं डेंटल कैरीज तो भैया दो चीजें होती हैं ठीक है थीके? जिंक कहां हो जाएगा मेरे भाई या तो मैग्नीशियम होता है या तो फ्लोरीन होगा और मैग्नीशियम कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फ्लोरीन फ्लोरीन ठीक है अगर कम हो जाए मैग्नीशियम अगर कम हो जाए तो आपका इनामल डिस्टर्ब होने लगता है आपके जो मसूर so right चाहूंगा कि इस बार कौन जीत रहा भैया नाइन का सी नाइन का सी तो नाइन के सी में प्रियंका राज पहला जगह बनाते वर्षिका कुमारी दूसरा स्नेहा मीनू तीसरा रविराज चौथा और शिवम

हाँ, बिल्कुल गर्ल विनर है भैया गर्ल यार लड़कियां विनर कुछ आ गया चले गुड लड़कियों के लिए बिल्कुल कुछ होगा अंकुश कह रहे मैंने सबसे पहले जवाब दिया था ये डेली की लड़ाई है तुम लोग की भाई लक्ष्य राज सिन्हा जी की बातों पर ध्यान दीजिए और इनको ब्लॉक कर दीजिए बार बार मुझे फिटनेस की याद दिला रहे हैं ये दो तीन कमेंट इनका पहले भी पढ़ चुका हूं मैं फिफ्थ में मेरा था सोनी जी कह रही है देखिए टॉप फाइव पे मैं बात कर रहा था कोई बात नहीं तो बच्चे सेशन को लाइक करते रहना क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं विच वन अमंग द फॉलोविंग विल भी एब्सॉर्ब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार फॉलोइंग बी एब्सॉर्व फर्स्टेस्ट थ्रू द वॉल ऑफ डाइजेटिव सिस्टम कौन से पाचन तंत्र की कोशिकाओं की झिल्लियों के माध्यम से सबसे तेजी से अवशोषित किया जाएगा पहला ऑप्शन है ब्लैक कॉफी दूसरा डीडी टी डाइक्रोथन बोलते हैं इसको आइसक्रीम एज डिजर्ट और चौथा रॉ एल एज ड्रिंक मतलब दारू कौन सी चीज सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्सॉर्ब होगी देखते हैं किसका जवाब सही आता है बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ा था तो मेरा भी जवाब थोड़ा सा गलत हुआ था लेकिन जब मैं फैक्ट्स में गया तो मुझे सही लगा कि हां नहीं मैं गलत था और ये चीजें सही हैं क्योंकि मैं फैक्ट पे गया तो फैक्ट के हिसाब से मुझे लगा कि जो इसमें आंसर दिया है वो गलत है लेकिन बाद में वो सही निकला क्वेश्चन नंबर टेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है रॉल कोहल एज डिजर्ट अपसाना नूरी भैया दारू को डिजर्ट के तरीके से कौन इस्तेमाल करता है डिजर्ट का मतलब होता है मिठाई खाने के बाद जो आप लेते हैं ठीक है सेशन को लाइक करते रहना मेरे भाई नए बच्चे सब्सक्राइब करते रहेंगे ठीक है तो बिल्कुल सही जवाब जो इसका है वो रॉ एल्कोहल एज ड्रिंक एल्कोहल बच्चे ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में क्योंकि बहुत ही स्मॉल टीनी मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनको डाइजेशन की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होती कभी सुना क्या कि दारू डाइजेस्ट हो रही कभी नहीं एल्कोहल क्या होती है अब्जॉर्व होती है ध्यान रखिएगा ठीक है थीके? तो एल्कोहल ब्लड में रहता है तीन से चार दिन तो ब्लड से तो तीन से चार दिन पता लगाया जा सकता है लेकिन एक ऐसी चीज है आपके बॉडी में जिससे एक महीने तक आप पता लगा सकते हैं कि ये इसने एल्कोहल एक महीने पहले पिया था या नहीं चाहे वो सिगरेट हो चाहे वो एल्कोहल हो एक महीने बाद भी कौन सी ऐसी चीज है बॉडी में जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इसने पिया था और वो चीज होती है कौन सी वो होती है हेयर ध्यान रखिएगा हेयर फॉलिकल्स में स्मोक और एल्कोहल दोनों ट्रैप होता है और एक महीने तक आप पता कर सकते हैं कि इसने एल्कोहल पिया था या सिगरेट पिया था या नहीं क्योंकि ब्लड और यूरिन से तो तीन से चार दिन में खत्म हो जाता है लेकिन हेयर में ये चीजें ट्रैप होती हैं महीनों तक ठीक है सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बिल्कुल देखते हैं कि भैया है, टेन का डी किसका आया सबसे पहले टेन का डी सबसे पहले जो आया है वो आया है सबसे पहले किसी का सही नहीं आया अरे गौतम कुमार का सही है अभिषेक रंजन प्रवीण सिंह आकाश सिंह उमेश पाल और संदीप कुमार तो लड़कियां क्लीन स्विप पे जाती हुई ठीक है एल्कोहल से रिलेटेड था तो लड़के कैसे पीछे छूट जाते सारा जवाब एकदम सही दिया है बच्चों ने ठीक है <laughs> लड़कियां क्लीन स्विप पे जाती हुई सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नहीं क्योंकि एल्कोहल को डाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है तुरंत ब्लड में अब्सॉर्व होता है और अपना कारनामा दिखाना शुरू करता है तो एल्कोहल पीने के बाद आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है जिससे आपका बैलेंस खराब हो जाता है बताया था इज नोन एज ब्रेन नाना पाटेकर की मूवी में देखा था आपने ना पीछे नहीं मारने का इधर छोटा दिमाग होता है तो छोटा दिमाग बोलते हैं सेरीबेलम को और दारू पीने के बाद एल्कोहल कंज्यूम करने के बाद आपका सेरीबेलम डिस्टर्ब हो जाता है जिससे आपका पोस्चर क्या हो जाता है गड़बड़ हो जाता है लेकिन कुछ लीजेंड्स होते हैं जो अपने सेरिबेलम को भी कंट्रोल कर लेते हैं और पीने के बाद भी आप पता नहीं लगा सकते हैं कि इन्होंने एल्कोहल लिया है या नहीं उनको हमारे भाषा में टैंक की भी उपाधि दी जाती है चलिए क्वेश्चन नंबर इलेवन प्लीज भैया टॉप फाइव में लड़के हैं लड़कियां क्लीन स्विप में हैं। लड़कियां फ्रस्ट्रेट नहीं होंगी बिल्कुल इस बार एकदम टाइप करके बैठेंगी क्वेश्चन नंबर इलेवन इस बार लड़कियों को फर्स्ट आना ध्यान रखना क्रांतिवीर थी राहुल जी पवित्र तुलसी सबको पता है काढ़ा पीते हैं तुलसी का कोविड नाइनटीन से इम्यूनिटी देता है काफी तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है कुछ लड़के बोल रहे थे सर साइंटिफिक नेम से भी क्वेश्चन होने चाहिए तो भैया हमने साइंटिफिक नेम से भी क्वेश्चन डाल दिया जाए तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम बताना है आपको ठीक है तकदीर हुसैन हार्ट बना के भेज रहे हैं गुड तुलसी का वैज्ञानिक नाम होता है देखिए इसमें दिमाग नहीं लगाना है थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा मिस टाइप हुआ है ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑसिमम सैंगटम होता है ओ सी आई एम यू एम ऑसिम एन की जगह क्या कर लीजिएगा एम तो ऑसिम सैंगटम इज द राइट आंसर ठीक है तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा बच्चे हो गया तो इलेवन का ए इज राइट आंसर देखते हैं का ए किसका आया है सही हम्म तो इलेवन का ए आया भैया समीक्षा का सबसे पहले लो समीक्षा जी आ गई टॉप पेज बार और फिर स्वाति जी का जवाब अरे लो स्वाति भी आ गई टॉप टू में मिथिलेश जी टॉप थर्ड वर्षिका टॉप फोर लड़के गए काम से इस बार धड़ाम हो गए नीतीश त्रिपाठी लड़कियां फिर से बढ़त बना ली हैं और लड़कियां सिर्फ तीन नंबर से पीछे हैं ठीक है लड़कों से सिर्फ तीन नंबर से लड़कियां पीछे हैं बिल्कुल सही जवाब इसके क्या ऑसिमम सैंक्टम अजार डिरेक्टर इंडिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम कैमिलिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैमल कोकोवस सेटाइवस इसमें कोकोवस होना चाहिए ठीक है कुकुम्बर का तो इसमें ओकोवस लिखा हुआ है गलत है वो थोड़ा सा चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व प्लीज सर गर्ल्स हैं इस बार टॉप में गर्ल्स है लड़कियां दो नंबर से आई थिंक ये दो या तीन से पीछे हैं कंफर्म कर लीजिएगा सी में होना चाहिए कैमेलस डोमेडिस इज द साइंटिफिक आंसर ऑफ कैमल क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ डेड टेक्निकल टिश्यू टेक्निकल की जगह मैकेनिकल होना चाहिए ध्यान नहीं दे पाए होंगे हम टेक्निकल की जगह मैकेनिकल ठीक है कौन सा ऐसा उतक है जो डेड है और एक तरीके से प्लांट को फूड को सपोर्ट देने का काम कर रहा है ठीक है सपोर्ट दे रहा है कवर कर रहा है उसको लेकिन डेड होता है स्कलन इमा मेरे मुंह से निकल गया मैं कुछ और बताने जा रहा था लेकिन वो डी ऑप्शन इज द एकदम बिल्कुल सही है है मैं एक्सप्लेनेशन में जा रहा था ठीक है? लेकिन आंसर आ गया डी इज द राइट आंसर ठीक है पैरन कायमा जो होता है वो लीफ वगैरह फ्रूट वगैरह के एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है कॉलेन कायमा जो होता है लीफ को लीफ स्टॉक से जोड़ता है एरन कायमा बच्चे ध्यान रखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ऑप्शन ए कारन कायमा हमेशा पीसीएस वगैरह में भी क्वेश्चन आया है कि जो आ, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं बच्चे जो पानी में पौधे होते हैं वो पानी में कैसे तैरते रहते हैं वो डूबते क्यों नहीं है तो एर एन क्लाइमट इश्यू होता है जिसमें हवा भरी होती है खाली स्पेस होता है ये बायोन्सी को मेंटेन करता है और जितने भी फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ना चाहे वो सिंघाड़ा हो चाहे वो फलाना हो कुछ भी हो जितने भी फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनके पास एर एन क्लाइमट इशू होता है जिसके कारण वो पानी पे फ्लोट कर रहे हैं सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी स्क्न काइमा ठीक है लेट मी चेक की हुई एट टॉप तो ट्वेल्व का डी इज द राइट आंसर का डी इज द राइट आंसर और भैया कार्टून एंड गेमिंग कॉर्नर ये कौन है चलिए जो भी है लड़का लग रहा है मुझे फिर शुभम फिर गुंजन सिंह वीरवानी और पंडित मिश्रा आदर्श और भैया रजत श्रीवास्तव तो लड़कियां होगी क्लीन स्वीप ठीक है तो इस बार भी लड़कियां इस बार लड़कियां तीन हो गई खत्म है ना तीन नंबर से पीछे चली गई कोई बात नहीं लड़कियां जो गर्ल्स हैं वो फिर से ट्राई करें क्वेश्चन नंबर तो हमने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि स्क्लेरन जो होता है। जैसे नारियल का जूट आपने देखा होगा जूट निकाल के नारियल को फोड़ते हैं ना तो जूट जो है दैट इज इज इट मेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ठीक है स्कलैरन कायमा ये होता है जैसे वॉलट होता है अखरोट तो अखरोट के ऊपर जो कवरिंग होती है दैट इज्लेर कायमा वो उसको प्रोटेक्ट कर रही है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन प्लीज जी धीरज जी बता दिया हमने गुंजन लड़की है <laughs> अच्छा गुंजन सिंह वीरवानी लड़की है क्या पता नहीं है मुझे तो नहीं पता भाई कि गुंजन सिंह वीरवानसी खुद ही क्लियर करेगा ये लड़की है या लड़का चले क्वेश्चन नंबर थर्टीन प्लीज लाइक आप लोग बच्चे नहीं कर रहे हैं और एक बार रुक के लाइक कर लीजिएगा सेशन को ठीक है और शेयर भी नहीं करते हैं आप लोग ये बड़ा फॉल्ट है कि टीचर आपके लिए मेहनत करता है और बोल रहा है बार बार कि लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं कर रहे हैं तो ये नाम अब लिया नहीं जाएगा आप लोग का चलिए कोई बात नहीं अब नाम नहीं लिया जाएगा द स्टडी ऑफ डिटरमाइनिंग द एज ऑफ प्लांट इज नोन एज पौधों की आयु निर्धारित करने के अध्ययन को क्या कहा जाता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टडी से, से क्वेश्चन जैसे द स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ टिश्यू इज हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ फ्रूट इज पोमोलॉजी द स्टडी ऑफ वेजिटेबल ऑल एरिकल्चर तो ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो क्या बताना कार्बन डेटिंग बहुत सारे लोगों का जवाब आएगा जो गधे हैं वो कार्बन डेटिंग बताएंगे है ना तो गधों की संख्या तो ज्यादा होगी हम्म बिल्कुल गधों की संख्या तो ज्यादा है अरे कार्बन डेटिंग से किसी भी फॉसिल के एज का पता लगाया जाता है मेरे भाई यहां पे पौधे की आयु को निर्धारित करने के लिए बड़ा सिंपल सा है कोई भी निर्धारित कर सकता है थोड़े से भी पढ़े लिखे हो तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि कितना साल पुराना है लेकिन तुम सब मैं भूल गया था तुम सब पढ़े लिखे तो हो नहीं है ना कोई बात नहीं तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द राइट आंसर ठीक है जिरेंटोलॉजी जो दिया हुआ है ना जीरेंटोलॉजी का मतलब था स्टडी ऑफ ओल्ड एज है ना बढ़ती आयु के अध्ययन को जैसे चाइना ने एज, एज पे वो किया था ना स्टडी किया था बुढ़े लोगों को देखा था तो उसको बोलते जेरेंटोलॉजी एनाटोमी का मतलब होता है फाड़ करके देखना ठीक तो है तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी द राइट आंसर देखते भैया थर्टीन का सी सबसे पहले किसका आया तो थर्टीन का बहुत सारा आ गया थर्टीन का सी जो आया भैया सबसे पहले वो आया है अंकित कुमार का पहला रविराज दूसरा पंडित मिश्रा आदर्श तीसरा और चौथे पे हैं तुकार साहा आयुषी पांडे ने मैसेज डिलीट कर दिया था फिर उसके बाद सुरुचि सिंह सुरुचि सिंह तो टॉप फोर में बच्चे हैं पांचवा नंबर सुरुचि जी ने बनाया हुआ है वेरी गुड सुरुचि जो चार है उनको मैं गुड नहीं बोलूंगा लेकिन जो एक है उसको मैं गुड जरूर बोलूंगा तो टॉप फोर में हालांकि कहते हुए फिर से दुख हो रहा है कि लड़के फिर से आ गए हैं लेकिन कोई बात नहीं बाद वाले जवाब नहीं माने जाते ठीक है नए वाले बच्चे जो भी है, हैं सब्सक्राइब करते रहिए अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली चाहिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर प्लीज अच्छा हो सकता है समीक्षा जी हमने बॉयज को काउंट कर लिया हो जिसमें तीन तीन का दो जो भी रहा हो तो चलिए एक पॉइंट आपको बढ़ा देते हैं अब आप दो नंबर से ही पीछे ठीक है तो लड़कियां दो नंबर से पीछे हैं बस चलिए द कनेक्टिव टिश्यू विच एक्ट एज हीट इंसुलेटर होना चाहिए तापरोधक का जो ट्रांसलेशन होगा वो हीट इंसुलेटर होगा क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन पढ़ रहा हूं द कनेक्टिव टिश्यू एक्ट एज हीट इंसुलेटर संयोजी उतक का नाम बताना है जो तापरोधक के रूप में कार्य करता है तो पहली बात तो ये देख लो भैया कि कितने इसमें से ऐसे हैं जो कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो आई थिंक कनेक्टिव टिश्यू ही सारे दिख रहे हैं है ना तो ब्लड तो होना नहीं चाहिए है कि नहीं हीट इंसुलेटर के तरीके तो काम करेगा का नहीं इसका मतलब एडिपोज जो आपके स्किन के जस्ट नीचे होता है दैट इज एक्ट एज हीट इंसुलेटर है ना फैट की जो लेयर होती है वो आपको हीट इंसुलेटर का काम करती है भैया ध्यान रखिएगा बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जिनके पास फैट ज्यादा है और उनको ठंडी नहीं लगती मैक्सिमम एनिमल्स में ही होता कपड़े पहनते कपड़े तो पहनते नहीं एनिमल्स हम लोग कपड़े पहनते ना हमारे अंदर फैट की लेयर क्या होती कम होती है लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जिनमें फैट की लेयर क्या होती है ज्यादा होती है तो फोटीन का भैया जो सही आंसर है वो है बी ठीक है तो देखते हैं चौदह का बी किसका सही आया है फोर्टीन का बी फोर्टीन का बी शिवम टॉप पे नेहा गुप्ता टॉप सेकंड नीतीश त्रिपाठी टॉप थर्ड में चंदन कुमार टॉप फोर और रीना सिंह टॉप फाइव तो लड़के फिर से तीन आगे जाते हुए चलिए ड्रम बज गया आप सबके लिए ठीक है फिर से आप लोग तीन नंबर से पीछे चले गए फिर टॉप फाइव में तीन लड़के और दो लड़कियां हैं लड़ाई नहीं करना बिल्कुल ध्यान रखना अंकित कुमार आशीष सर क्लास नहीं ले रहे आशीष सर जॉब में बच्चे वो अपना जॉब कर रहे हैं क्लास आपको लेना है अगर आपको भी एज ए जॉब करनी है तो ठीक है चलिए बिल्कुल अच्छा लगा गुड टॉप पे था तू शायद है ना चल क्वेश्चन नंबर प्लीज मेरा है सेकंड नेहा गुप्ता कह रही क्या बताएं तुम लोग को हो सकता है कि यहां मैं हालांकि मैं पढ़ तो सही रहा हूं सब आप भी पढ़ सकते हैं यहां पे हाँ व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ योर नेशनल बर्ड पहले तो ये बता दो भैया राष्ट्रीय पक्षी होता कौन है जल्दी से बताओ प्रियंका राज पहले तो बता दो राष्ट्रीय पक्षी होता कौन है मेरे भाई आंसर देने में ही लगे हैं टॉप आना है बस है ना फर्स्ट करना है यही सबसे बड़ा दुख है आजकल की पढ़ाई का सबको टॉप करना है।, है ना कोई मैकेनिज्म में जाना नहीं चाह रहा कोई चीजों को समझना नहीं चाह टॉप आना है टॉप आना है बस नंबर चाहिए नंबर चाहिए बड़ा दुख होता है पिकॉक प्रवीण जी बता रहे पिकॉक प्रदीप ने बताया पिकऑप चलिए बहुत बढ़िया तो मोर का जो वैज्ञानिक नाम है होता बच्चे पावो क्रिस्टेटस सो द द ऑप्शन बी बी इज इज करेक्ट आंसर का 15 का चेक हु एट टॉप तो भैया प्रियंका आ, समीक्षा इससे भी ऊपर है सब नहीं नहीं समीक्षा जी नहीं है 15 में भैया सबसे ऊपर जो है वो है प्रियंका राज ठीक है उसके बाद कार्टून एंड गेमिंग कॉर्नर फिर धीरज कुमार फिर श्रुति राज और फिर संजीव कुमार फिर स्नेहा मीनू चलो भैया लड़कियों को दे दिया जाता है ये नंबर ठीक है लड़कियां अब दो नंबर से पीछे ठीक है तो इस बार लड़कियां जीतती हैं वेरी गुड नाइस गर्ल्स बिल्कुल बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने पावर पावुक स्टेटस इज द राइट आंसर ठीक है अभी छह क्वेश्चन और है ठीक है सिक्स क्वेश्चन मोर गुड चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन प्लीज एलिफस मैक्सिमस जो पहला दिया हुआ है वो होता है हाथी का एलिफेंट का पहला ऑप्शन जो है एलिफस मैग्जिमस और एक और होता है लोक्सोर अमेरिकाना ठीक है तो एलिफस मैगजिमस इज द एशियन एलिफेंट एंड लोक्सोरो अमेरिकाना इज द अफ्रीकन एलिफेंट ठीक है सिक्सटीन का भी आंसर आने लगा क्या अलिनो सबको बताओगा है ना पैसिफिक ओशियन में होता है इक्वेटर में सन जब वाटर को हॉट करता है गर्म करता है तो उससे बहुत सारा क्लाउड बनता है बारिश होती है है ना मौसम को डिस्टर्ब कर देता है अलिनो का इफेक्ट हमारे यहाँ और जस्ट उल्टा होता है इंडिया में अगर अलिनो आ गया तो हमारे यहाँ ड्रॉट पड़ जाता है सूखा पड़ जाता है है ना उसके बाद अलिनो के जस्ट बाद जब हवाएं उस क्लाउड को हटा ले जाती हैं हॉट करंट को बहा ले जाती हैं तो उसके बाद जो डीप कोल्ड करंट होता है वो ऊपर आ जाता है तो अलिनो के जस्ट बाद ला नीना भी आता है है ना अलिनो फिर लानिना अलिनो इज रिलेटेड टू हॉट करेंट एंड लानी रिलेटेड टू कोल्ड ओशियन करेंट भी गधे तो है, है कुछ गलत कर रहे हैं है 16 का ए इज द राइट आंसर देखते हैं भैया सबसे पहले किसका आता है तो 16 का जो सबसे पहले ए आया है वो आया श्रुति राज का फिर ऋषभ कुमार फिर आकाश का फिर अमनदीप का और पल्लवी कुमारी का तो लड़कियां फिर से जीतती हुई आप लड़कियां सिर्फ एक नंबर से पीछे हैं ठीक है, है? लड़कियां सिर्फ एक नंबर से पीछे हैं भाई लड़कियां सिर्फ एक नंबर से पीछे हैं लड़कों के लिए सोचनीय बात है थोड़ा सा लड़के चार नंबर से आगे चल रहे थे लड़कियां अब एक नंबर से पीछे बहुत बढ़िया गुड गर्ल्स कीप इट अप क्वेश्चन नंबर सेवनटीन प्लीज चलिए लाइक करते रहो मेरे भाई सेशन को लाइक करते रहना है नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन आ गया मानव शरीर में कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है बहुत बढ़िया बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई कि मानव शरीर में कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी है कहीं कहीं पे इसका जवाब 30 ट्रिलियन भी मिलता है कहीं कहीं पर इसका जवाब 37 ट्रिलियन भी मिलता है तो 30 ट्रिलियन जो है वो राइट आंसर है 10 की पावर 14 सेल लेकिन यहां पे 30 ऑप्शन में नहीं है इसलिए आपको मजबूरी में 38 ट्रिलियन लगाना ही पड़ेगा ठीक है ना तो 38 ट्रिलियन इज द राइट आंसर सेवनटीन का डी टेन की पावर फोर्टीन सेल्स ठीक है और जितनी देर में आपने ये बात सुनी आपकी पचास सेल डैमेज हो जाती है और इतनी ही नई सेलों का निर्माण हो जाता है ठीक है ना पांच से छह सेकंड में आपकी पचास हजार सेल डैमेज होती है और पचास हजार नई सेल का निर्माण हो जाता है थ्रू और और तो भैया जो सेवनटीन का डी सबसे पहले आया है वो भैया आया सबसे पहले किसका सेवनटीन का डी सेवनटीन का डी भैया सबसे पहले आया है किसका आई थिंक सबसे पहले आया है राजीव पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ अनमीटिया ठीक है और आयुषी फिर ऋषभ और फिर शिवम ठीक है तो लड़के फिर से आगे हो गए चलिए कोई बात नहीं क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर आते हैं सर क्लास में बहुत डरते थे आपसे कोई बात नहीं उज्जवल जी डरना बहुत जरूरी है क्वेश्चन नंबर 18 प्लीज तो नए बच्चे जो भी होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है कौन सा पौधा वॉकिंग फर्न के रूप में जाना जाता है वॉकिंग फर्न वॉक कर रहा है जो है ना वॉकिंग का मतलब वॉक करने वाला और हमने क्लास में पढ़ाया था भाई टेरिडो में यह पढ़ाया था ठीक है टेरिडो में यह पढ़ाया था कि कौन सा ऐसा फर्न है जो वॉकिंग है एक्चुअल में एक प्लांट है छोटा सा जो कि उसकी पत्तियां जो होती हैं जब बड़ी हो जाती हैं उसकी पत्तियां जब बड़ी होंगी तो टिल्ट हो जाती हैं और जब टिल्ट हो जाएंगी तो नीचे जब झुक जाती है तो उनको मिट्टी में या किसी भी चीज में जब कोई भी न्यूट्रिएंट मिलता है तो वो वहीं से ग्रो करना शुरू कर जाती हैं तो ऐसा लगता है कि ये प्लांट वॉक करके वहां पर चला गया इस वजह से इसको वॉकिंग फर्न के नाम से जाना सो द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एडियंटम को बोला जाता है बच्चे क्या वॉकिंग फर्न तो एटीन का डी देखें भैया एटीन का डी किसका है 18 का डी शंकर नेहा गुप्ता पढ़ाया था क्लास में हमने वीडियो में अभी भी पढ़ी होगी कृष्णा पूजा एंड ज्ञान तो पता नहीं कौन जीता इस बार लेकिन मुझे लग रहा है कि लड़कों का फिर से बढ़त है जहां तक यह हो सकता है लड़कियां बढ़ी है। तो आप ही लोग डिसाइड कर लीजिए कि इस बार टॉप फाइव में कौन है लड़के हैं लड़की ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन प्लीज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन के बारे में देखते हैं कि क्या आ रहा है नाइनटीन मेरा है सर ये सेकेंड मेरा नहीं आया इसका प्रीवियस क्वेश्चन में ही आगे आ गए ठीक है हाँ नेम ऑफ द एलगी दैट इज कॉमर्शियली यूज इन मेकिंग अगार अगार आगार का नाम सुना होगा है ना the, जो रिसर्च सेंटर में आगार अगार, अगार यूज किया था पेट्री प्लेट्स बनाने के लिए बैक्टीरियल कल्चर बनाने के लिए अगार आगार का यूज बेकिंग इंडस्ट्री मतलब फूड इंडस्ट्री भी करती है चीजों को क्रंची बनाने के लिए है ना अगार आगार का यूज है अगर अगार, अगार एक पाउडर है चावल के पाउडर आटे के, के जैसा लगता है जिसको लपेट के छाने से चीजें क्रंची भी हो जाती है और इसका कल्चर के रूप में भी हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में तो अगार आगार एक पाउडर है जो कि बनाया जाता है एलगी से और एलगी पाया जाता है सी में समुद्रों में सो द राइट आंसर इज जेलिडियम है ना जेलिडियम भी होता है और एक दूसरा भी लिख लीजिएगा अगर लिखना है ग्रेसिल एरिया एंड जेलिडियम इज द राइट आंसर तो भैया नाइनटीन का सी जो है वो आंसर सही आया है गुंजन पहला एस एस दूसरा चंदन तीसरा और अनमिटिया तो था। और जय कुमार पांचवा इस बार लड़के फिर से शायद ज्यादा चल गए ज्यादा चले गए है ना तो टॉप पे आई थिंक फिर से लड़के हैं कोई बात नहीं दुख तो हो रहा है लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी प्लीज ड्रम भी बजा दिया गया जो टॉप फाइव में है उनके लिए ये ड्रम जो बजाए टॉप फाइव में दोनों लोगों के लिए बजा जो लड़के भी हैं जो लड़कियां भी हैं का ये नहीं होगा स्पायरोगेरा का मतलब होता है काई बच्चे जो काई होती वो होती है ठीक है जेलिडियम इज द राइट आंसर जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर यूज फॉर मेकिंग अगर अगर पाउडर आपने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वाला पढ़ा होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आती है ना जीएम क्रॉप्स के नाम से जानते हैं सबसे पहले टोबैको बनाता था है ना बीटी टोबैको के नाम से जाना जाता था, था जो कि फेल भी हो गया था बीटी टोबैको बीटी ब्रिंजल बीटी राइस बहुत सारे गोल्डन राइस का नाम सुना होगा तो बीटी कॉटन जो बना बीटी ब्रिंजल जो बना उसमें बीटी का मतलब क्या है

बीटी का मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं बीटी का मतलब होता बैसिलस थुरिंजियंसिस। क्या होता है बच्चे बैसिलस थुरिंजियंसिस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि की कीड़ों को मार देता है तो कॉटन वगैरह की जो फसल थी कीड़े से बड़ी बर्बाद होती थी तो लोगों ने क्या किया, किया कि एक ऐसा बैक्टीरिया ढूंढा जो कि की कीड़ों को डिस्ट्रॉय कर दे और इसमें जानते हैं आप जेनेटिक मटेरियल पाया था हर एक चीज के लिए एक जीन पाई थी तो बीटी के अंदर से उसका जेनेटिक मटेरियल निकाला गया जो कीड़ों को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल था और उसको कॉटन के सीड के डीएनए में इंसर्ट करा दिया गया ऐसे कॉटन को जब आप बोएंगे तो जब उसमें पौधे डिप होगा जब वो बड़ा होगा तो उसमें ऑटोमेटिक इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटी डेवलप हो जाएगी सो इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया तो बीस का ए इज द राइट आंसर ठीक है बीटी का फुल फॉर्म बताया हमने बैसिलस जो कि बैक्टीरिया है चाहे वो बीटी कॉटन हो चाहे वो बीटी ब्रिंजल हो तो बीस का ए बिल्कुल सही जवाब है और जो सही जवाब आया सबसे पहले वो श्रेया लाथ का आया है गुड उसके बाद शुभम कुमार उसके बाद आकाश उसके बाद गुंजन सिंह वीरवानी और फिर संजीव कुमार तो आई थिंक फिर से लड़के इस बार फिर से टॉप ठीक देंगे और लड़कियां तीन नंबर से पीछे चल रही है। कोई बात नहीं थोड़ा सा दुख हो रहा है चलिए लास्ट क्वेश्चन आ रहा है ट्वेंटी वन आपके पास जो करना है कर लीजिए इसमें लास्ट क्वेश्चन का जी लेके आइएगा ट्वेंटी वन मिथिलेश जी जब टॉप टेन में मैं नाम ही नहीं ले रहा कह रहा टॉप टेन में, में मेरा नाम नहीं ले लीजिए टॉप फाइव की बात हो रही बच्चे बस और एक बार रुक के सारे लोग बच्चे सेशन को लाइक कर लीजिएगा नए बच्चे जो भी हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है कंजप्शन ऑफ बफेलो बहुत बार एक क्वेश्चन एस एस सी में भी पूछा गया बीमारी से, आपको हो सकती है क्लास में पढ़ाएं वन तो का जवाब किसका सही आता है तो भैंस का कच्चा दूध भैया नहीं पीना है, थोड़ा सा गर्म करके पीना ध्यान रखिएगा आगे से क्योंकि डिजीज हो सकती है भैंस के कच्चा दूध पीने से गाय के दूध से नहीं होता ही मोस्टली होता है किसके भैंस के दूध से तो भैया भैंस के एक्सक्रीटरी मटेरियल में वेस्ट मटेरियल में टीबी का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम है माइको बैक्टीरियम ट्यूबर ध्यान रखिएगा और दूध निकालते समय ऐसा तो है ना कि पूछ उसके पैर चल नहीं रहे होते हैं नैला धुला के एकदम सैनिटाइज करके उसका दूध निकालने गोबर वगैरह उसके शरीर पे लगा है पूछ हिल रही वो हिल रही तो दूध में वो बैक्टीरिया गिर रहे होते हैं और कच्चा दूध अगर आपने पी लिया तो वो बैक्टीरिया आपके अंदर जाएगा और आपको टीबी होने के चांसेस है तो कच्चा दूध भैंस का नहीं पीना है उससे आपको टीबी हो सकता है तो ट्वेंटी का जो आंसर है वो बच्चे बी इज द राइट आंसर और हम देखना चाहेंगे कि लास्ट में कौन जीत रहा है ट्वेंटी का बी किसका है भैया सर ट्वेंटी का बी बहुत सारे मैसेज आ गए अच्छा ये ट्वेंटी का है ट्वेंटी वन का जो बी है वो आया ब्रजेश आकाश शुभम और अपर्णा सिंह फिर उसका मुकेश जैस मुस्कान जैसवाल ठीक है तो टॉप थ्री में फिर से बच्चे हैं दो लड़कियां तो लड़के फिर से बढ़त बनाते हुए और लड़कियां फिर से पीछे रह गई तो आज के सेशन में, में मेरे ख्याल से लड़के जीत गए और लड़कियां थोड़ी सी हार गई तो सबके लिए जो जीता जो हारा उन सबके लिए फायर क्रैकर्स हमारे टीम जला रही है तो एंजॉय करिए आपका लो, आप लोग और कैसा लगा आपको सेशन बच्चे जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट करके कैसा लगा आप आज का सेशन आपको बच्चे जल्दी से बता समीक्षा रोती ही रहती हमेशा कोई बात नहीं बच्चे अरे सर मेरा पढ़ना से पहले था लेकिन दिखा नहीं आपका हो सकता है कि आपका रहो मजा आया में खतरनाक गुड हाँ भैया लड़के विनर विनर चिकन डिनर लेकिन सावन चल रहा है अभी ठीक है अभी कुछ नहीं करना है चलिए तो एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक कर लेंगे जो नया बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोर्सेज हमारे एग्जाम अड्डा थ्री सिक्सटी के ऐप पे चल रहे हैं बच्चे तो उसको खरीदिए और ज्वाइन करिए मैथ स्पेशल इंग्लिश स्पेशल आने वाला है उसके बाद साइंस स्पेशल भी छह अगस्त को आ रहा है क्या करना है प्ले स्टोर पे जाना है एग्जाम अड्डा थ्री सिक्सटी का ऐप डाउनलोड करना है जैसे ही डाउनलोड करेंगे वैसे ही नंबर आपको दिख जाएगा बाकी मैं नंबर आपको बता भी रहा हूं एक बार फिर से उसको नोट कर लीजिएगा और अगर कोई कोर्स आपको बाई करना है एग्जाम अड्डा थ्री का हम लोग का तो आप बाई कर सकते हैं मैं नंबर फिर से रिपीट करना चाहूंगा एट ठीक है नंबर फिर से बोल रहा हूं एट टू वन जीरो थ्री नाइन सिक्स टू नाइन वन अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए बच्चे एडमिशन से रिलेटेड काउंसलिंग से रिलेटेड या कोई भी कोर्स बाई करना है या कुछ भी चाहिए जैसा कि साइंस स्पेशल भी आ रहा है इंग्लिश स्पेशल और मैथ स्पेशल और एस के बैचेस भी चल रहे हैं और ये बैचेस आपके लिए चल रहे हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको ठीक है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में गुड नाइट लव यू टेक केयर